तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? आप तीनों से गलत सवाल है, सबसे पहले दिमाग में क्या आया था जब खतरों का आपके पास ये ऑफर आया, जब आपको लगा कि हाँ यार, और जब आपको मालूम पड़ा नाउ यू सेटेड अबाउट जा रहे हैं नॉर्थ अफ्रीका, क्या रिएक्शन था पहला? डर लगा कि नहीं? डर तो लगने वाला है, बट लगना फन होगा, आई थिंक इट विल बी फन. Same, man. I've always wanted to do this show. That's, I think, it's the only reality show that I really wanted to do. So, yeah, like she said, have fun. Everybody who's done it also told me that. Have fun. And it's a great experience. अरे जी, अगर हम आपकी अगर बात करें तो आपके तो कई सारे फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी जा चुके हैं, चाहे वो अली हो या शमी हो या और भी कई सारे ऐसे दोस्त हैं, तो उनकी क्या एडवाइस आपको मिली है कि अजीत इस बार जाना तो ये जरूर करना है? ये मुझे मत करना है यार, सबने मुझे एडवाइस दी है, सबके साथ उसी की एडवाइस दी, सबने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है बेसिकली, पर एंड में सबने ये बोला है ज़्यादा मत सोचो, हैव फन, जस्ट हैव फन. इट्स एक्चुअली आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस इन लाइफ. हेलीकॉप्टर से कूदने के लिए आपको एक शो मिल रहा है, आपको हर चीज़ करने को मिल रहा है, इवन इफ यू वांट टू पे योर मनी फॉर दिस, आई थिंक इट्स अ ग्रेट शो. एक्चुअली आपसे जानना चाहूंगा, आपके लिए कितना मुश्किल था खतरों के खिलाड़ी तक आ पाना? अरे यार, मैं तब भी जवाब दे देती थी, आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई एम वेरी स्केयर्ड, पर ठीक है, कर लेंगे. आप मुझसे पूछ रहे तो मुझे हंसी आ रही है. फन का मैंने सोचा था, सच में सच बताऊं तो, बट मीटिंग में उन्होंने मेरा ही मजाक उड़ा दिया, फन बोल के बोला अच्छा फन करना तुमको. तो फन तो ठीक है, वो तो करना ही है, बट बहुत सारी चीज़ें जो मैंने कभी नहीं किए लाइफ में वो करना पड़ेगा. ऐश्वर्या, मेरा आपसे एक सवाल है कि अभी अभी आप गुम है किसी के प्यार से, मतलब आपने शो क्विट कर दिया है और आपको लोग जानते हैं पाखी के नाम से, तो अब जो घर घर में पाखी का नाम है, अब उसका एक इमेज ब्रेक होने वाला है, तो क्या आप रेडी हैं उसके लिए? मैं तो पहले से रेडी हूँ, कब से रेडी थी मैं तो, मैं एक्चुअली पाखी सिर्फ स्क्रीन पे थी, घर पे जाके तो मैं ऐश्वर्या ही होती थी. तो ये चीज़ तो आई थिंक सभी लोगों ने देखी है जो सोशल मीडिया पे है मेरे साथ कनेक्टेड, उन लोगों को पता है मैं कैसी हूँ, क्या करती हूँ रियल लाइफ में. और पाखी अब नहीं दिखेगी, अभी सिर्फ ऐश्वर्या दिखेगी, रियल ऐश्वर्या शर्मा. ऐश्वर्या, आपको नील ने कुछ एडवाइस दिया या कुछ कंसर्न दिखाया? नील सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था इस शो के लिए, क्योंकि आफ्टर गुम सडनली ये अपॉर्चुनिटी आना किसी को भी नहीं मिलता इतना ईजीली. तो एक ऐसा है कि तो अच्छा यहाँ से निकला, ये आया, अब क्या करूँ, करना चाहिए. क्योंकि ये खतरों का ये था कि इतने सारे टास्क जब देखती थी मैं तो मुझे बहुत डर लगता था कि नहीं यार, ये नहीं होता है, नहीं हो पाएगा. बट नील ने बोला नहीं, यू कैन डू इट, आई नो यू विल डू इट, ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट. अगर आप लोगों की बात करें तो क्या कुछ प्रैक्टिस चल रही है, क्या वहाँ पर कितना वर्कआउट चल रहा है, क्या जो कर रहा हूँ उसके लिए आप आई थिंक मेडिटेशन के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ मेंटली कि आप एक बिल्डिंग के ऊपर जाओगे और आप वहाँ से कूदोगे, आप उसका मेंटली सोचोगे भी तो इट विल बी डिफरेंट टू वॉट यू एक्चुअली एक्सपीरियंस, राइट? सो या आई मीन आई थिंक वी विल टेक इट, आई टेक इट एज इट कम्स. Arijit, I would like to add on it. 10 years back, in 2013, you have started with a reality show and now again a reality show in 2023. Oh, yeah. Which one? Splitsvilla. Oh. So how different is going to be this time, the experience and I think it's very different. I did Splitsvilla before becoming an actor. Yeah. मेरे acting journey से पहले मैंने Splitsvilla किया था. Thankfully ज़्यादा लोगों को याद नहीं रहता. But times were different. Yeah. That was there was no social media back then. There was nothing. And I think Splitsvilla is not there is no similarity between Khatro and Splitsvilla at all. Yeah. Probably somewhat related to Big Boss, I guess. But nothing over here. So वो अलग experience था. I hope ये उससे बहुत better. But the journey was completely invincible from then to now, as we have seen. How you see your this graph? This is my first reality show. Before this, I've just acted. Graph, I mean, I can't comment on it. Actor, probably you satisfy nahi hota. So you always want to do something better and keep on improving. But this is the first reality show, and I hope we all make a good show. Ashwari, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह भी हमने आपसे अर्जित
जैसे अर्जित ने कहा यू नो मेंटली तो मेडिटेशन नहीं कर सकते, अभी आपने क्विट किया है शो, लेकिन आपकी किस तरह की प्रिपरेशन चल रही है? और बन गई हूँ मैं थैंक्स टू गुमी के लिए प्यार और सभी लोगों को पता है. तो अभी फिजिकल स्ट्रेंथ इज मोर इम्पोर्टेंट इन दिस शो, तो वो चल रहा है अभी धीरे धीरे. आई एम वार्मिंग अप, सो देखते हैं कैसे करते हैं, जितना हो पाएगा उतना मैं आई ट्राई माय बेस्ट. एंजेली व्हाट अबाउट यू? आई थिंक दैट इन द शो वी हैव सीन बहुत सारे लोग उठा लिया वो सब कभी किया नहीं है. तो आई थिंक जब तक वहाँ पहुँचेंगे नहीं तब तक किसी की कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखाई देगी. तो सारा जिम, सारी प्रैक्टिस, उनको बड़ी चीड़ चढ़ती है, जो ज्यादा अबॉर्ट करता है वो नहीं पसंद करते हैं. तो आप लोग कितने प्रिपेयर हो ये चीज के? रोहित शेट्टी के आई हैव एडमायर्ड हिज फिल्म्स. So I'm excited to meet the person who has made such amazing films. I love the humor, I love the action, so that I'm impressed and I've always admired it. And I can't wait to meet that man behind all of that. So, or stunts ko lekar, I think nobody better than him to mentor you for these stunts. So, dad bhi wahi log lagate na jo who care, yeah. Right? So, dad sun lenge because I'm sure he's whatever he's saying is right. So, kahi galat jayenge to tab daatenge sun lenge. Like she said, yeah, I don't think there's anybody better than Rohit Shetty, Rohit sir, who can do this. Yeah. Like how Big Boss is known for Salman Khan, Kapoor, Rani, like Rohit Shetty. And जैसे हमने उनकी फिल्मों में देखा है, stunts and all these खतरनाक and all, I think उनसे better कोई नहीं कर सकता. And strict होंगे तो हमारे लिए होंगे, समझा के abort करेंगे तो हम ही समझाएंगे कि मत कर, कर इसको. सर के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है तो सबके लिए बहुत ही अच्छी बात है. और यस, डांट तो खानी पड़ेगी, कुछ हासिल करना है तो डांट तो. मैंने एक्चुअली कोई भी सीजन पूरा फॉलो नहीं किया है, जितना भी मुझे पता है अभी तक. सो कुछ एपिसोड्स आई हैव वॉच्ड, उसमें मैंने श्रुति को देखा था, श्रुति झा, शी इज पिकिंग अप द डेजर्ट्स एंड सम पुटिंग समवेयर इन अ कंटेनर. सो वो थोड़ा सा हाँ आई एम स्केर्ड ऑफ दैट. तो वो देखा था तो मैंने सोचा कि बस हो गया. For me, I think Shabir Aluwale, he won the show also, and for me, he's the OG, and kills it every time, with everything. With everything he does. So yeah, always inspired. Khatro ki khiladi mein jitni bhauye gayi hai, jitna alag alag talents dikhaye, aap dono mein kitna alag talents dekhne mil sakta hai, idhar talents. Bhauye. I'm totally not. As per TV show, I'm not never been a bhauye. No. ये टैबू ब्रेक करना पड़ेगा एक तरह से आप सभी लोगों को. टीवी सीरियल में बहुए प्ले करते हैं हम, बट वी आर नॉट बहु इन रियल लाइफ, ऐसे वाला जो टिपिकल टीवी सीरियल वाली होती है. वी आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग लाइक यू. सो एक वैसे ही जाएंगे जैसे एक नॉर्मल इंसान जाता है, जैसे सारी सिचुएशन को फेस करता है, हम भी वही करने वाले हैं. ओके, लास्टली जाते जाते फैंस से भी कुछ कहना चाहते हैं.
खिलाड़ी देखो हमें टॉर्चर होते हुए पे और जियो से हमें टॉर्चर होते हुए देखो और आपको मजा आएगा तो हमें भी मजा आएगा एंड जितना आपने प्रीवियस सीजंस को प्यार दिया है उतना हमें भी देना और मजा थैंक यू सो मच थैंक यू ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू